हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्या आपको समझा रहेगा कि ये एक्चुअली मेरा वो लास्ट व्लॉग नहीं है, वो बस एक मजाक था। पर यस, पीसी को कुछ तो हुआ है। पीसी मेरा खराब हो गया है। वो कैसे हुआ है, क्या हुआ, वो मैं बताऊंगा। पर जो वीडियोस मेरे एक्चुअली लाइंड अप थे, मैं उसके बारे में पहले आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरा जो लास्ट वाला प्रॉपर जो व्लॉग था, वो मेरे आई का बर्थडे का था, जो मैंने ऑफकोर्स अपलोड किया। वो अपलोड करते टाइम भी पीसी तब से ही परेशान कर रहा था। स्टिल मैंने कैसे तो भी मैनेज किया और वो वीडियो को मैंने फाइनली अपलोड किया, क्योंकि वो वीडियो अपलोड हो रहा ही नहीं था। तो वो वीडियो को मुझे मोबाइल में ट्रांसफ़र करना पड़ा, मोबाइल के वाईफाई से मुझे अपलोड करना पड़ा। मतलब इतना पीसी का थोड़ा बहुत हालत ख़राब हो गया था। बर्थडे का व्लॉग, उसके अगले दिन हम लोग बटरफ्लाई गार्डन गए थे, जो मेरे घर के नज़दीक ही है। आई को अगले दिन भी छुट्टी थी और सब लोग फ्री थे, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि इस दिन को भी वेस्ट नहीं करते, कहीं तो भी घूमने जाते। तो हम लोग बटरफ्लाई गार्डन गए थे, और वो इतना अच्छा गार्डन है। मतलब मुंबई में बटरफ्लाई गार्डन इतना अच्छा किधर नहीं रहेगा जो यहाँ पे है। वो बटरफ्लाई गार्डन का जो व्लॉग है, वो एक्चुअली ये संडे को मतलब आज आने वाला था, पर वो नहीं आ पाया क्योंकि वही पीसी खराब है। पर कोई बात नहीं, आई थिंक 2 हफ्तों में शायद ठीक हो जाएगा। और जो दूसरा व्लॉग था, वो हम लोग करसुबाई में ट्रेकिंग करने के लिए गए थे, टॉफ महाराष्ट्र करसुबाई ट्रेक, वहाँ पे हम लोग गए थे। आई थी, आई मेरे साथ थी, मैं भी था, और आई के और कुछ फ्रेंड्स थे हॉस्पिटल के। तो हम लोग ऐसे पूरा ग्रुप में मिलके हम लोग गए थे। उसका भी एक बहुत अच्छा व्लॉग बना है। बारिश के टाइम पे गए थे, तो सबको पता है पीक ऐसा पीक्स पे ट्रैकिंग करने के जाने के टाइम उसका सीनरी कुछ बहुत अलग रहता है, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है वो सब नेचर ऐसा। उसका भी व्लॉग लाइंड अप था, जो पीसी की वजह से ये हो गया, बर्बाद हो गया। मतलब उसके सब फुटेज है मेरे पास, इसलिए मैं जो खुशी है ना, वो उस वजह से ही है, उसके सब फुटेज है। पर प्रॉब्लम क्या है, मुझे आदत हो गया था कि मैं पीसी पे एडिट करता हूँ, पीसी पे ही एडिट करूँगा, ऐसा मुझे आदत हुआ था। पर अभी पहले मैं एक्चुअली मोबाइल पे एडिटिंग करता था, पर धीरे धीरे करके मैं पीसी पे एडिटिंग करने लगा। पीसी पे मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने लगा, क्योंकि कंपैरिजन देखा जाए तो मोबाइल पे बहुत स्लो एडिटिंग होता है मेरा, और पीसी पे बहुत फास्ट एडिटिंग होता है मेरे से। और एक क्रिएटिव माइंड मेरा क्लिक होता है, ट्रिगर होता है कि पीसी पे आपको क्या करना है, कैसे करना है। मतलब आपने अगर ठीक से देखा रहेगा तो व्लॉग के बीच बीच में मैं ऐसा फनी क्लिप्स डालता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसा फनी 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 डालता हूँ, क्योंकि वो व्लॉग एक काइंड ऑफ बोरिंग ना हो इसलिए। सो यार, यही 2 बड़े वीडियोज़ है जो रुके हुए हैं, जो मैं पीसी जैसे ठीक हो जाएगा तो मैं वही मतलब संडे को अपलोड करूंगा। और वो जो मैंने ट्रैक डिसाइड किया कि मैं एवरी संडे व्लॉग अपलोड करूंगा, वो नहीं तोड़ रहा हूँ मैं, ये वाला अपडेट वाला व्लॉग डाल के। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि पीसी को एक्चुअली हुआ क्या है। तो ये है मेरा पीसी, ये है मेरा टीवी, ये क्यूट सा टीवी। अभी ये भी बंद हो गया है, मतलब चालू है, पर क्योंकि पीसी बंद हो गया उस वजह से हम लोगों ने ये जो नया वाला सेटअप बॉक्स है ये यहाँ पे लगाया, सब कनेक्शंस किया, यहाँ पे आवाज़ आता है अच्छे से, यहाँ पे हम लोग टीवी देखते। और ये जो टीवी है बेचने का सोच रहे, क्योंकि इसको बहुत साल हो गए, और स्क्रीन है, और स्क्रीन कंपैरिजन ही देखो कितना है। तो इस पीसी को हुआ क्या है, इस पीसी में जो इसके अंदर हार्ड डिस्क रहता है, तो ये पीसी में जो हार्ड डिस्क है वो एक्चुअली खराब हुआ है। हार्ड डिस्क का मतलब, हम लोग ने मार्च में लिया था, तो कुछ ज़्यादा मंथ्स नहीं हुए, उन लोगों का 1 ईयर का वारंटी है, इसलिए मैंने वारंटी पीरियड में एक्सचेंज करने के लिए दे दिया फटक से। पर प्रॉब्लम कैसा, वो हार्ड डिस्क से आवाज़ आ रहा था बार बार, जब हार्ड डिस्क के अंदर का डिस्क जब घूमता है तब एक टिपिकल साउंड आता है, वो साउंड हर 5-10 मिनट में आ रहा था, और पीसी हैंग हो रहा था। अभी आप देख सकते हो कि पीसी चालू नहीं है, उससे डीटीएच कनेक्ट किया हम लोगों ने, टाटा स्काई कनेक्ट किया है, उस वजह से मॉनिटर का भी थोड़ा बहुत उपयोग हो रहा है, या तो मॉनिटर भी बंद रहता था। अभी सब कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया बंद है, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हो जाता है ऐसा कुछ, पर कोई बात नहीं।
और आज रक्षाबंधन है, इसलिए सब भाई और बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक, ये वीडियो को लाइक करने नहीं बोलूंगा क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अपडेटेड अपडेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सब्सक्राइब इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जो वीडियोज आएंगे, सब्सक्राइब इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जो वीडियोज आएंगे वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया, मुझे पता है मैं कैसा एडिटिंग करने वाला, सब दिमाग में प्लान्स है, आइडियाज है कि कैसा एडिटिंग करना है, क्या करना है, सब पहले से डिस। सो यार यही था ये पीसी का प्रॉब्लम, बाकी सब तो जो भी हम लोग ने नया नया चीजें लिया, जैसे कि ग्राफिक कार्ड हो गया, रैम हो गया, वो सब तो अच्छे से चल रहे, पर सिर्फ हार्ड डिस्क ने मुझे धोखा दे दिया। मार्च में खरीदा था और इतना जल्दी कैसे खराब हुआ, मुझे उस बात पे थोड़ा थोड़ा गुस्सा और टेंशन आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, पर कोई नहीं, उसे एक्सचेंज करने दे दिया है। मैं प्रे करता हूँ कि बहुत जल्दी आ जाए, पर इन केस अगर नेक्स्ट संडे भी अगर पीसी रिपेयर नहीं होता है, मतलब इन केस अगर नेक्स्ट संडे तक नहीं हार्ड डिस्क आता है, तो मैं काइंड ऑफ एक ट्रेलर डालूंगा जो मेरे व्लॉग्स अपकमिंग आने वाले, मतलब जो बटरफ्लाई गार्डन वाला वीडियो और करसुबाई ट्रैक का वीडियो, ये मैं एक ऐसा ट्रेलर बनाऊंगा और वो ट्रेलर में नेक्स्ट संडे को अपलोड करूंगा, क्योंकि ट्रेलर से तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि अपकमिंग वीडियोस क्या होने हो। और अगर इन केस ये हफ्ते में अगर शायद हार्ड डिस्क आ जाए, मतलब ये हफ्ते में अगर इनकेस जल्दी आए, ये हफ्ते में मतलब मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे के अंदर तक आ गया, तो आप संडे को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं शायद बटरफ्लाई गार्डन वाला व्लॉग डालूंगा, क्योंकि मैं प्रॉपर टाइम देख के व्लॉग करता हूँ। एक दिन एडिटिंग करता हूँ पूरा एक दिन, और दूसरे दिन अपलोड करता हूँ, ऐसा मेरा सब काम मैं आराम से करता हूँ, इसलिए मैं एवरी संडे व्लॉग डाल रहा हूँ। सो या इतनी चीजें बताने थे, इनकेस अगर हार्ड डिस्क फ्राइडे को आता है या सैटरडे को आता है, तो आई एम सॉरी, मैं व्लॉग बटरफ्लाई और करसो भाई के ट्रैक का व्लॉग नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि इम्पॉसिबल है उतने दिन में कि मैं वीडियो अपलोड करके डालू। अभी ये कैसा है, ये व्लॉग में मैंने सिर्फ बोला है और कुछ ऐसा सीनरी बैकग्राउंड कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, उस वजह से मैं ये मोबाइल पे इजीली एडिट करके अपलोड कर सकता हूँ इस पे, क्योंकि उस पे मुझे कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे रहेंगे तो मुश्किल से एक दो वीडियो है जहाँ पे मैं बाहर गया हूँ, और बाहर का भी मैंने बहुत ज्यादा कवर अप किया ऐसा भी नहीं है, पर बटरफ्लाई गार्डन और करसुबाई व्लॉग, ये करसुबाई का ट्रिक, ये दोनों भी वीडियोस में बहुत ज्यादा बाहर का मैंने फुटेज कवर किया है जो मुझे आप लोगों को दिखाना है, वापस मुझे एक्सपीरियंस करना है कि मैं वहां पे ही हूं ऐसा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग था। सो या दैट्स इट, ये अपडेट वाला व्लॉग था। वीडियो को लाइक मत करो चलता है, पर सब्सक्राइब करो ये चैनल को, क्योंकि आगे ये दो जो व्लॉग है बहुत बड़े व्लॉग है जो आने वाले है। करसो भाई ट्रिक का व्लॉग ज्यादा बड़ा है, क्योंकि बड़ा है इन द सेंस, मतलब मैंने मेहनत की है, क्योंकि मैं थक गया था इतना, वो चढ़ते टाइम उतरते टाइम स्टिल मैंने व्लॉग किया है, आई भी थी मेरे साथ, आई के फ्रेंड्स भी थे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा कि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। सो या दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।